नमस्कार, मैं हूं अनुभव साक्य। आज हमारे साथ इस बातचीत में एक ऐसे शख्स जुड़े हुए हैं, हिंदी पत्रकारिता से जुड़े हुए जो लोग हैं वो उनको भली भांति जानते हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ऐसे श्री वेद प्रताप वैदिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप 1958 से पत्रकारिता कर रहे हैं, कई भारतीय और विदेशी शोध संस्थानों और विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के नाते आप रहे हैं। अब तक करीब 80 देशों की यात्रा आप कर चुके हैं। नवभारत टाइम के आप पहले सह संपादक रहे हैं। इसके अलावा हिंदी की समाचार एजेंसी भाषा के आप संस्थापक संपादक रहे हैं। कई पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहते हैं कि पत्रकारिता दिनों दिन बदल रही है, पहले प्रिंट फिर इलेक्ट्रॉनिक और अब न्यू मीडिया की बात की जाने लगी है। पत्रकारिता के इस बदलते रूप के अनुसार पत्रकारों की नई पीढ़ी खुद को कैसे प्रासंगिक रख सकती है? प्रासंगिक बनाना है तो उसका प्रामाणिक होना बहुत जरूरी है। जो प्रसिद्ध संस्कृत टिप्पणीकार मल्लिनाथ ने लिखा था बहुत वर्षों पहले, वो बात पत्रकारिता पर लागू करना चाहिए। वो कहते थे ना मूलम लिखते किंचित, कि बिना प्रमाण के, बिना सोर्स को उद्धृत किए हुए मैं कोई बात लिखता नहीं हूं, लिखना नहीं चाहिए। अभी जो पत्रकारिता चल पड़ी है इधर, उसमें निरंकुशता सर्वत्र देखने को मिलती है। अब जो लिखित पत्रकारिता है, यानी जो छप के प्रकाशित होता है, उसके मुकाबले जो देखी और सुनी जाने वाली पत्रकारिता है, यानी टीवी चैनल की और इंटरनेट के जरिए चलने वाली, ट्विटर के जरिए चलने वाली, व्हाट्सएप के जरिए चलने वाली, ये पत्रकारिता का बाहुल्य हो गया है। अधिकांश लोग उसी पर निर्भर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में प्रामाणिकता सबसे पहली चीज है कि जो पत्रकारिता पर लागू की जाना चाहिए। सरकार को भी उसमें नियम बनाना चाहिए, बना रही है। ट्विटर पर उसने कुछ अंकुश लगाए हैं, उनको माना जाना चाहिए। जब अभी हमने कुछ महीने पहले देखा कि ट्रंप के समर्थकों ने व्हाइट हाउस पे हमला कर दिया था, तो ट्विटर ने नियमों का पालन किया और ट्रंप को निकल बाहर किया जी। भारत में भी अभी पिछले दिनों गाजियाबाद में एक मुसलमान सज्जन की दाढ़ी काटी और उनसे जबरदस्ती जय श्री राम बुलवानी का जो एक फर्जी नाटक नौटंकी की गई थी ट्विटर पर, उसके कारण बहुत गलतफहमी फैली। तो इस तरह की चीजों पे नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। ये पत्रकारिता नहीं, पत्रकारिता में तो पत्रकार बोलता है और पत्रकार जिम्मेदारी से बोलता है। पत्रकार को पता है कि जैसे वेदों में भगवान को सहस्र मुख कहा गया है, तो उसके हजार मुख होते हैं। मैं कहता हूँ पत्रकार के कोटि मुख होते हैं, करोड़ों लोग उसकी बात सुनते हैं, वो करोड़ों मुंहों से बोलता है। वो लिखता है तो करोड़ों लोग पढ़ते हैं, वो टीवी पर बोलता है तो करोड़ों लोग देखते हैं। उसका प्रामाणिक होना बहुत जरूरी है और ये काम अब सरकार मजबूर होके कर रही है। कांग्रेस सरकार ने भी किया था और भाजपा सरकार इसको और आगे बढ़ा रही है। और मैं समझता हूँ कि सरकारों से ज्यादा जिम्मेदारी खुद पत्रकारों की है, अखबारों की है, टीवी चैनलों की है। उनको चाहिए कि वो आत्म अनुशासन बरते, अपने नए नए जो कर्मचारी आते हैं अखबारों में, टीवी चैनल में, उन सबको आत्मसंयम की प्रेरणा दे, कठोरता से नियम लागू करें। और इसके अलावा जिन लोगों को टीवी चैनलों पर या अखबारों में इंटरव्यू किया जाता है, उन पर भी मर्यादा का पालन करने के लिए आग्रह किया जाए। उनसे आग्रह इसलिए किया जाए कि गलती वो करते हैं और बदनाम पत्रकार होती है, वो पठान बातें वो बोलते हैं और लांछन
टीवी चैनलों पर रखते हैं, इसलिए स्वयं को उन लांछनों से बचाने के लिए एक मर्यादा का पालन होना चाहिए। जब आपको लगे कि कोई आदमी बहुत ही लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करता है तो उस आदमी को लाइव टीवी पर लाने की बजाय रिकॉर्डिंग से लाना चाहिए, मेरे उसकी बात को रिकॉर्ड करें, और अगर वो कोई निरंकुश बातें करता हो, मनमानी बातें करता हो, उटपटांग बातें करता हो, अश्लील टिप्पणियां करता हो, उसको आप संपादित कर दीजिए, एडिट कर दीजिए, कट काट दीजिए। ये अगर नहीं करेंगे तो पत्रकारिता पर लोगों का भरोसा उड़ जाएगा, और पत्रकारिता पर भरोसा उठने का मतलब है लोकतंत्र का क्षीण होना, क्योंकि लोकतंत्र का यही सबसे मजबूत स्तंभ है। जो तीन स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, वो तो अपना काम करते ही हैं, लेकिन ये इन चारों स्तंभों में हृदय का काम करता है। अगर हृदय एक मिनट के लिए भी बंद हो जाए या उसकी गतिविधि में गड़बड़ी हो जाए तो पूरा शरीर निश्चल हो जाता है। इसलिए पत्रकारिता को बहुत स्वस्थ रहना निहायत जरूरी है। सर, आपने हाफिज सईद का इंटरव्यू लिया, अफगानिस्तान की विषम परिस्थितियों पर आपने रिपोर्टिंग की। सर, बतौर पत्रकार हम खुद के भीतर इतना संबंध और निडरता कहां से लेकर आए? सर देखिए, ये मामला सिर्फ पत्रकारिता का ही नहीं है, व्यक्तिगत अभिरुचि का भी है। मैं हाफिज सईद को इंटरव्यू करने नहीं गया था, बातचीत करने गया था। मैं कभी रिपोर्टर रहा ही नहीं। शुरू से मैं 16 साल की उम्र में संपादक बन गया था और इंदौर से एक मासिक पत्रिका अग्रवाही निकालता था। उसके बाद जब मैं पीएचडी करने के लिए दिल्ली आया स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में, तो यहाँ पीएचडी करते करते मैं नवहर टाइम्स, दिनमान, धर्मी, हिंदुस्तान, ऐसे दर्जनों अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में लेख आदि लिखता था। पत्रकार की तरह नहीं लिखता था, एक विदेश नीति के जानकार के तौर पर लिखता था। जी। एक 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 समझो राजनीतिक सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर लिखता था, क्योंकि अखबारों में लेख आदि लिखने के पहले मैं कई बार गिरफ्तार हो चुका था। कई बार आंदोलन चलाते हुए 12 साल की उम्र में पहली बार गिरफ्तार हुआ मैं, और उसके बाद कई बार अपने कॉलेज के दिनों में और यहाँ दिल्ली में जो पीएचडी कर रहा था तब और उसके बाद भी आंदोलनों में गिरफ्तार हुआ। इसलिए जब मैं इन लोगों से बात करने जाता हूँ तो सिर्फ पत्रकार के नाते नहीं जाता हूँ, इस नाते जाता हूँ कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और भारतीय होने के कारण मेरी बहुत जिम्मेदारियां हैं। यानी जिम्मेदारियां सिर्फ प्रधानमंत्री की नहीं होती या किसी मंत्री की नहीं होती है, एक साधारण नागरिक मेरे और आपके जैसे, इन जितने भारत से द्रोह करने वाले लोग हैं उनसे बराबर संवाद कायम रखना और उसके लिए कोई भी खतरा मोल लेना हमेशा मेरी आदत रही है। हाफिज सईद क्या है, उससे ज्यादा खतरनाक लोग जी भारत में हुए हैं जी। जैसे मिजोरम के लाल देगा जी, वो तो अयूब खान और माओ त्सेतुंग से मिलके भारत को तोड़ने की साजिश कर रहे थे जी। उनसे लाल देगा से मेरी मुलाकात हुई, दोस्ती हो गई, इतनी दोस्ती हो गई कि जब राजीव गांधी ने मिजोरम में उनकी सरकार खत्म की और उनको डिसमिस किया तो फोन करके सीधे मेरे पास आ गए हवाई अड्डे से जी। और उसके बाद मेरे कहने पर वो दिल्ली में बस गए। उन्होंने सिख आतंकवादियों से बात करना शुरू की जी। और सुशील मुनि जी के साथ मैंने उनको कर दिया। उन्होंने इतना भारत के लिए अच्छे काम किए कि मैं क्या बताऊं। जब वीपी सिंह की सरकार बनी तो उनको अचानक कैंसर का पता चला जी। तो न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में भारत सरकार की मदद करवा के उनको मैंने भर्ती करवाया। तो मेरा कहना ये है कि मेरा काम सिर्फ ऐसे लोगों को इंटरव्यू करना नहीं है जी, उनको भारत के पक्ष में लाना है जी। वो बातचीत के जरिए आए, इंटरव्यू के जरिए आए, एक संवाद के जरिए आए, बहस के जरिए आए, झगड़े टंटे के जरिए आए, कहा सुनी के जरिए आए, किसी के जरिए आए, काम दाम दंड भेद, उनको अपना दृष्टिकोण समझाना है जी। सर,
इसी कारण मैं हाफिज सईद से मिला और वो मुलाकात मेरे लिए तो बहुत साधारण थी, क्योंकि हाफिज सईद जैसे दर्जनों लोगों से मैं मिलता रहा हूँ जो अफगानिस्तान में मुजाहिदीन थे जी, और वो हिकमत यार वगैरह जो इंदिरा गांधी को अपना दुश्मन मानते थे और उनकी हत्या करने का दम भरते थे, उनसे मैं पेशावर के जंगलों में जाके मिला हूँ और उनसे मैंने बात करके उनको भारत की तरफ झुकाने की कोशिश की है। यानी मैंने पत्रकार का धर्म तो निभाया ही, उसके साथ साथ भारत के एक निष्ठावान नागरिक का धर्म भी निभाया कि जो भारत के विरोधी हैं उनके खेमे में जाके उनके घर में घुसकर फिर उनसे बात करना। जी सर, तो इसलिए इसको कुछ लोगों ने गलत समझा और पार्टी बाजी के कारण, क्योंकि मैंने नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था, उनका नाम सबसे पहले प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया था जी। इसलिए उनके विरोधियों ने, कांग्रेसियों ने, कुछ कम्युनिस्टों ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं सरकार का नुमाइंदा होकर वहां गया था। इनका भाई मैं एक पत्रकार हूँ, एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्येता हूँ, मैं किसी का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं अपना ही नुमाइंदा हूँ जी। मैं अपना स्वयं का प्रतिनिधित्व करता हूँ, किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करता हूँ और जो मेरे हृदय की बात होती है वो मैं कहता हूँ। सर, इस सब के लिए हम ये जानना चाहेंगे जो नए पत्रकार है वो हिम्मत कहाँ से लेके आए, क्योंकि ये हिम्मत के बिना तो नहीं हो सकता है सर इतना। हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं। देखो, हिम्मत तो आती है पारिवारिक संस्कार से जी। मेरे पिताजी आर्य समाजी थे जी। वो व्यापारी थे, बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे, लेकिन वो अंत में 15-20 साल सन्यासी होकर रहे। मतलब उनको कोई पैसे से, कोई पद से, प्रतिष्ठा से, किसी चीज से लगाव नहीं था। वो बड़े सिद्धांतवादी थे, बचपन से हमने वो सिद्धांतवादिता देखी जी। और उसका मन पे असर पड़ा जी। क्योंकि जिनको हम अपना गुरुतुल्य मानते थे, महर्षि दयानंद जी, आप उनकी वीरता देखिए, उनको कितनी बार जहर पिया गया, कितनी बार उनको कांच खिलाया गया जी, कितनी बार उनको मारने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मार्ग से डिगे नहीं जी। जो भर्तृहरि ने 1000 साल पहले 1100 साल पहले कहा ना कि भाई अपने मार्ग से जो डिगता नहीं है वो ही मोक्ष को प्राप्त करता है, जो अपनी बात पे अड़ा रहता है वही महापुरुष है, वही सच्चा मनुष्य है, वही वही जो पौरुष है उसी को पौरुष कहते हैं, पुरुष उसी को कहते हैं जो अपनी बात पे डटा रहे। तो बचपन से हमने वो बात सीखी कि भाई मौत से भी नहीं डरेंगे हम जी, किसी के अपमान से नहीं डरेंगे हम, किसी की हानि से हम नहीं डरेंगे, कोई हमारी कितनी हानि कर दे, कितना ही अपमान कर दे, हमें मृत्यु का डर दिखा है, जो बात हमको कहना है वो कहेंगे, जो लिखना है वो लिखेंगे, जो करना है वो करेंगे। ये भाव है कि जो हमें पत्रकारिता क्या किसी भी क्षेत्र में रहे वहाँ हमको टिकाए रखता है, डिगने नहीं देता है। सर, आजादी के इतने सालों के बाद भी भारतीय मीडिया के पास कोई स्वतंत्र रेवेन्यू मॉडल नहीं है। हमारी जो मीडिया की कमाई का मुख्य स्रोत है वो कॉरपोरेट और सरकार से मिलने वाले विज्ञापन ही है। यह किस हद तक मीडिया की निष्पक्षता को प्रभावित करती है? सर देखिए, इससे जो निष्पक्षता है वो प्रभावित तो होती है निश्चित रूप से जी। लेकिन इसके बावजूद मैं मानता हूँ कि कुल मिलाकर भारत का जो चौथा खंभा है, जो पत्रकारिता का, यानी अखबारों का, टीवी चैनलों का जो माध्यम है, वो काफी स्वतंत्र है। लोग ये कहते हैं कि, कुछ कहते हैं कि सरकार का एकदम घनघोर विरोधी है, अंधा विरोध करता है, या कुछ कहते हैं कि अंधा समर्थन करता है, गोदी मीडिया है। तो आंशिक रूप से बात सत्य है कि अखबारों की मजबूरी होती है, उनको विज्ञापन चाहिए होता है, उनको और दुनिया भर की सुविधाएं चाहिए होती है, तो वो सरकारों की खुशामद करती है। मैंने तो ऐसे कई पत्रकार देखे हैं, मेरे कई साथियों को, ये आज वो एक सरकार की खुशामद करते हैं, कल उसके गिरने पर उसके विरोधी हो जाते हैं, किसी एक नेता के वो पलक पावड़े बिछाए रखते हैं और दूसरे दिन उस पर थूक का अंबार लगा देते हैं जी। तो वो अपने अखबार मालिकों की सेवा में लगे रहते हैं।
करते हैं, उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, उनकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। देश में उन्हीं पत्रकारों को आम आदमी महत्व देता है, उनकी बात सुनता है, गंभीरता से उन पर गौर करता है, जो अपनी बात निर्भयता पूर्वक, निष्पक्षता पूर्वक, बिना किसी का अपमान या अहित किए हुए कहते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो नौजवान पत्रकार हैं, नए पत्रकार हैं, उनको भी नौकरी की परवाह नहीं करनी चाहिए। देखो, आपको जन्म मिला है ना, तो आपके जीवन की व्यवस्था भी होगी, अपने आप होगी। पशु पक्षियों की व्यवस्था कौन करता है, तो मनुष्य की व्यवस्था कैसे नहीं होगी? कैसे आप भूखे मरेंगे? कोई आपको भूखे नहीं मरने देगा, कोई ना कोई व्यवस्था बन जाएगी। हर मनुष्य को आखिरी दम तक लड़ने का मादा रखना चाहिए, इसलिए डरना नहीं चाहिए, जो ईमान की बात है वो कहना चाहिए। देखो, प्रेमचंद की एक कहानी का मुझे याद आता है, शायद वो पंचों की कहानी थी। उसमें महिला कहती है सरपंच से कि क्या तुम बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? ईमान की बात कहो, बिगाड़ हो तो हो जाए जी। आप किसी की हानि नहीं करना चाहते, आप किसी का अपमान नहीं करना चाहते, फिर आप क्यों नहीं अपनी बात कहते जी? पत्रकारिता को जिंदा रहना है तो उसे थोड़ा साहस से काम लेना पड़ेगा। लेकिन ये है कि आजकल बड़े अखबारों को इतनी आमदनी की जरूरत है, इतनी मोटी तनख्वाहें पत्रकारों को इतनी सुविधाएं मिलती है, इन सुविधाओं को देने के लिए उसे सरकारों से थोड़ा दबना पड़ता है जी। वो हम देख रहे हैं सब दूर, लेकिन इसके बावजूद भारत की पत्रकारिता मुझे कुल मिला के काफी स्वाधीन लगती है। अगर आप पत्रकारिता की तुलना करें अदालतों से, न्यायपालिका से, पत्रकारिता की तुलना करें संसद से, विधानसभाओं से, तो आप क्या समझते हैं वो आजाद है क्या? ये जो पार्टियों के जो विधायक हैं, अपने नेता के विरुद्ध कुछ बोलते हैं क्या? अपनी गलत नीतियों के बारे में कोई खुल के सुझाव देते हैं क्या? वो गुलामी करते हैं क्या? और अदालतें कई मामलों में जैसे फैसले देती हैं, वो समझ भी नहीं आते कि फैसले क्यों दे दिए, कैसे दे दिए। तो जब ये जो अन्य साधन है, अन्य खंभे हैं पत्रकारिता के स्तंभ हैं, ये उलट पुलट स्थिति में है, तो फिर पत्रकारिता को दोष देना, मैं समझता हूँ कि जरूरत से ज्यादा निर्दयी होना है, जरूरत से ज्यादा मतलब पक्षपाती होना है जी। कि आप सरकार में कैसे सरकार चलती जी, मंत्री क्या अपने दिल की बात कह पाते, सारे अफसर अपने दिल की बात कह पाते, क्या निष्पक्ष रूप से सही बात कर पाते, नहीं कर पाते, लिहाजदारी होती है, हजार तरह की लिहाजदारी है। ऐसी पत्रकारिता इतना बड़ा व्यवसाय बन गया है कि उसमें हजार तरह की संभावनाएं, लिहाजदारी है। इसलिए पत्रकारिता को ये कहना बिल्कुल एकदम किसी की गोदी में बैठ के ये भारतीय पत्रकारिता, ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत से अखबार, बहुत से पत्रकार ऐसे हैं जो ईमान की बात कहने से डरते नहीं। सर, एक प्रश्न और मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो मीडिया संस्थान है सर, यहाँ आज भी विविधताओं की कमी दिखती है। पत्रकारिता में आदिवासी दलितों की संख्या आज भी कम है, यह किस हद तक मीडिया की वस्तुनिष्ठता को प्रभावित करती है? देखिए, ये जो दलित और आदिवासी लोग हैं, इनकी संख्या हर जगह कम है, सिर्फ पत्रकारिता में कम नहीं है, प्रोफेसरों की जगह खाली पड़ी हुई है और व्यवसाय में तो है ही नहीं। बिल्कुल, एक आध बड़े व्यापारी का नाम बताइए जो आदिवासी हो, जो दलित हो, एक आध कोई बेचारा मांस स्वास बेचने वाला कोई मुसलमान हो या दलित हो, या उसने उसमें कोई प्रगति कर ली हो तो कर ली, क्योंकि उसमें दूसरे लोग बड़ी मुश्किल से आते हैं, इसलिए उनको मौका मिल जाता है, कर लेते हैं। वरना हमारे देश में क्या रहा है कि धंधा और जाति दोनों में जोड़ हो गया, एक सिक्के के दो पहलू हो गए, इसलिए दलित और आदिवासियों का पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं रहा, उनका सरकारी नौकरी करने से कोई खास मतलब ही नहीं रहा, उनका शासन करने से कोई खास मतलब ही नहीं रहा, वो तो अपनी स्वायत्त जिंदगी जीते थे।
और आदिवासी लोग कह रहा हूँ, और जो दलित लोग हैं हमारे यहाँ उनकी तुलना तो हमारे हमारे समाज में पशुओं से होती है। पशुओं की तो फिर भी कदर होती है हिंदुस्तान में कि उनको गाय को रोटी खिला देते हैं लोग, डंडा नहीं मारते, लेकिन दलितों के साथ जिस तरह का बर्ताव, अमानवीय बर्ताव भारत में लोग करते हैं, और आजकल तो डर के मारे नहीं करते हैं लेकिन मन में जो भाव रखते हैं अमानवीय निकृष्टता का, वो तो बहुत ही मतलब इंसानियत नहीं है, इंसानियत से गिरा हुआ व्यवहार है। इसलिए ये कहना कि भाई दलित लोग को जानबूझकर पत्रकारिता में नहीं आने दिया जाता है आदिवासियों को, ऐसा नहीं है। वो दलित लोग की उधर दिलचस्पी भी नहीं है, उधर इतने ज्यादा दलित और आदिवासी लोग आते भी नहीं है पत्रकारिता में। और आप जानते हैं कि अपने देश में तो जातिवाद और प्रांतवाद इतना ज्यादा है कि उसका असर तो पड़ता है भाई। अब अगर अपनी जाति का कोई आदमी आता है ना और वो 19 भी होता है तो 20 के ऊपर चढ़ा देते हैं उसको लोग। अपने प्रांत का, अपने शहर का, गांव का आदमी आ जाए और एक दूसरा आदमी आए वो थोड़ा सा उससे आगे हो तो जो अपने वाला आदमी अपन उसको आगे कर देते हैं। मानव स्वभाव की कमजोरी है। ऐसा नहीं है कि दलितों के विरुद्ध है देश या दलित आदिवासियों के विरुद्ध है देश, ऐसा नहीं है। ये हमारी सामाजिक संरचना का दोष है। और मैं इसका इसका निराकरण ये नहीं है कि दलितों को आप या आदिवासियों को या ऐसे लोगों को भी जो पहले से जिन क्षेत्रों में नहीं है वहां जबरदस्ती भर दें। मैं ये जाति आधार पर, जन्म के आधार पर आरक्षण के भी विरुद्ध हूँ। वो आरक्षण गलत है मेरी राय में। भाई मेरा कहना ये है कि जो काम दलित और आदिवासी करते हैं उसकी इज्जत बढ़ाइए, उसकी लज्जत बढ़ाइए, उसकी लज्जत और कीमत बढ़ जाए तो वो क्यों प्रोफेसर बनना चाहेंगे। अगर मजदूर को, सफाई करने वाले कर्मचारी को, सफाई कर्मचारी को उतनी तनख्वाह मिले जितनी प्रोफेसर को मिलती है तो प्रोफेसर क्यों बनना चाहेगा। उसके माता पिता सफाई करते हैं वो भी सफाई करेगा। अगर प्रोफेसर कार में घूम सकता है तो वो भी कार में घूमेगा। अगर प्रोफेसर सूट पहन सकता है तो वो भी सूट पहनेगा। प्रोफेसर गर्मी की छुट्टियां अगर शिमला में, मसूरी में बिता सकता है तो वो क्यों नहीं बिताएगा। और वो अपने आप को नीचा कैसे समझेगा। लेकिन हमारे देश में शरीर का काम करने वाले लोगों को घटिया समझा जाता है और दिमाग का काम करने वाले लोगों को बढ़िया समझा जाता है। ये जब फासला कम होगा तो अपने देश में जातिवाद भी खत्म होगा और ये बात भी खत्म होगी कि भाई फला धंधे में फला जाति के लोग या फला प्रांत के लोग ज्यादा क्यों नहीं आ रहे। भाई जहाँ भी है वहाँ ठाठ है, जहाँ भी रहते हैं मस्ती छान रहे हैं, जहाँ भी है वहाँ उनकी खूब इज्जत है, उनकी खूब लज्जत है। जैसे कि अमेरिका में होता है, अमेरिका में देखता था जब मैं वहां पढ़ता था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, तो मैं देखता था कि घरों पे जो नौकर सफाई करने आते थे, जो बाथरूम वगैरह साफ करते थे, घर में झाड़ू लगाते थे, वो लोग कारों में बैठ के आते थे। तो मैं आश्चर्यचकित हो जाता था यार ये कारों में बैठ के आती है, हमारे यहाँ तो फटे कपड़े पहने रहते हैं, साइकिल भी नहीं होती उनके पास, 10-10 किलोमीटर से पैदल आती है बेचारे और भयंकर ठंड में ठिठुरते रहते हैं सफाई करने वाले, और वहाँ इतने ठाट से आते हैं और वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठ के साथ में खाना खाते हैं। हमारे यहाँ कोई दलित होता है वो बेचारा बैठ नहीं सकता, वो सोच नहीं सकता, वो जमीन पे बैठ जाता है। तो ये समता मूलक समाज बनाना है ना, तो हमको शारीरिक श्रम और बौद्धिक श्रम जो फासला है उसको घटाना पड़ेगा। ये सामाजिक क्रांति करने की जरूरत है, लेकिन हमने सरल रास्ते अपना रखे हैं, या नौकरियों में आरक्षण दे दो, जाति आधार पर आरक्षण दे दो, ये सब तात्कालिक फायदे की चीजें हैं, इनसे स्थायी हल नहीं निकल सकता। क्योंकि जिनको आरक्षण मिलता है, एक बार आरक्षण मिला, जिसको मिला उसके लड़के को भी, उसके पोते को भी, पड़पोते को भी, पड़पड़ पोते को भी, सबको आरक्षण मिल जाता है, वो एक नया नव ब्राह्मण वर्ग बन जाता है जी। वो न्यू ब्राह्मण क्लास बन जाती है। जैसे जगजीवन राम जी की लड़की को है जी, फिर उन लड़की के बेटे को और बेटे के बेटे को, फिर उनको आरक्षण देने की जरूरत क्या है। जगजीवन राम जी को मिल गया चलो बहुत है, उनकी बेटी तो मेरिट पे आए ना जी, और उनकी बेटी के बेटे को आरक्षण देने की क्या जरूरत है, मेरिट पे आए जी। और ये है कि उसमें आप ये कर दें कि शिक्षा में आरक्षण दें जी, क्योंकि हमारे दलित लोग, आदिवासी लोग पैसे नहीं है उनके पास,
तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, उनको खिलाएंगे क्या? तो बच्चों को भोजन दें, कपड़ा दें, रहने की व्यवस्था करें और पढ़ाई की फीस नहीं लगे उनको। मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि 40% आरक्षण दीजिए, मैं कहता हूँ 80% दीजिए ना। 80% गरीब लोगों को, जात मत पूछिए उसको, अगर वो गरीब है जी, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता है बच्चों को शिक्षा देना, तो उसके बच्चों को भोजन, निवास, वस्त्र ये मुफ्त दिया जाए और शिक्षा मुफ्त दी जाए। देखिए 10 साल में देश का रूपांतरण हो जाएगा। सर, आपने सर विदेश से जुड़े मुद्दों पे काफी काम किया है पत्रकारिता के क्षेत्र में भी, तो सर आजकल जो मीडिया में आज के जो मीडिया के परिदृश्य में जो विदेश के मुद्दे हैं, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? और जो नए पत्रकार समाज में या नए पत्रकारिता में जो नए छात्र आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे विदेश से जुड़े मुद्दों को? भाई विदेशी मामलों पे मैं ये कहता हूँ कि प्रायः भारत सरकार ठीक ही कदम उठाती है, क्योंकि हमारे विदेश मंत्रालय में बड़े योग्य अधिकारी होते हैं, और जो भी मंत्री अगर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हों, ज्यादा अनुभवी नहीं हों, तो वो प्रायः रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय जी अफसर ही मंत्रालय को चलाते हैं। मंत्री लोग तो ऊपर देखने के होते हैं, हाथ मिलाने के होते हैं जी, सलाम दुआ करने के होते हैं, भाषण दे देते हैं, जो लिख के उनको दे देते हैं भाषण वो पढ़ देते हैं जी। तो ये काम अच्छा ही होता है, लेकिन हमारे जो पत्रकार बंधु हैं जी, उनको चाहिए कि अगर विदेशी मामलों पर वो कुछ लिखना चाहते हैं तो उनको खूब गहरा अध्ययन करना चाहिए, और बहुत पुराना अध्ययन ना भी करें तो प्रथम महायुद्ध से लेकर द्वितीय महायुद्ध में क्या हुआ, शीत युद्ध में क्या हुआ जी, उसके बाद अब क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उनकी बारीकियों में जाना चाहिए जी। तो मैं देखता हूँ कि बहुत कम पत्रकार ऐसे हैं जो विदेशी मामलों की बारीकियों में जाते हैं, लेकिन हैं कुछ बहुत अच्छे पत्रकार आज भी भारत में हैं और पहले भी रहे हैं जी, कि जो कई मंत्रियों से और अफसरों से ज्यादा बारीकी से विदेशी मामलों को समझते हैं, और मैं देखता हूँ कि प्रधानमंत्री लोग उनसे सलाह भी करते हैं, विदेश मंत्री लोग उनसे सलाह भी करते हैं, और उनके लिखे को बहुत ध्यान से पढ़ा भी जाता है। जो विदेशी मामलों में जिस भी पत्रकार की रुचि हो, उसको बहुत से ग्रंथ हैं, उनका नाम तो अभी गिनाना ठीक नहीं है, छपी होगा अभी इस समय, लेकिन उन सब ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। विदेशी मामलों पर कई बड़ी विशेषज्ञ पत्रिकाएं आती हैं, फॉरेन अफेयर्स हैं, इंटरनेशनल स्टडीज हैं, दुनिया भर की पत्रिकाएं, कम से कम 10-15 ऐसी बढ़िया पत्रिकाएं हैं जो हमारे देश से और विदेशों से निकलती हैं, उनको बराबर पढ़ते रहना चाहिए। और जो विदेशी मामलों के विशेषज्ञ हमारे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हैं और दूसरे देश के विश्वविद्यालय में हैं, उनके लेखों को भी गंभीरता से पढ़ना चाहिए, तो बढ़िया पत्रकार बन सकते हैं जी। सर, आप हमसे इतनी देर से इतने बड़े मुद्दों पर बात कर रहे थे, सर अंत में कोई सवाल नहीं है, लेकिन सर हम आपका संदेश, आपसे एक संदेश लेना चाहेंगे, आप मीडिया में जो प्रशिक्षु पत्रकार हैं, जो प्रशिक्षु जो पत्रकारिता के छात्र हैं इस समय, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने अनुभवों के आधार पर? सर हम तो भाई प्रशिक्षु पत्रकारों से कहेंगे कि ये जो आपका समय है, ये सबसे मूल्यवान समय है, आप इसमें जितना अभी घी डालेंगे उतनी आपकी ज्वाला उज्ज्वल होगी, प्रज्वलित होगी। इस समय में ये 2-4 बरस जो है प्रशिक्षण के, इसमें आप जितना पढ़ डालेंगे पत्रकारिता के बारे में, पत्रकारिता के इतिहास में, मेरा एक ग्रंथ है, पता नहीं आपके देखने में आया कि नहीं, हिंदी पत्रकारिता विविध आयाम, जो अब से करीब 40 साल पहले प्रकाशित हुआ था, तो तब पत्रकारिता के 150 साल पूरे हुए थे, तो राष्ट्रपति भवन में उसका विमोचन हुआ था, पंडित कमलापति त्रिपाठी ने तब कहा था कि ऐसा ग्रंथ, 40 साल पहले कहा था, न तो 150 बरस में पत्रकारिता पर कभी ऐसा ग्रंथ आया है, न अगले 150 बरस में ऐसा ग्रंथ निकलने की उम्मीद है जी।
उस ग्रंथ के कई संस्करण हो गए हैं। वो 1300 पृष्ठ का ग्रंथ था, वो 1250-1300 का। तो पता नहीं आपके संस्थान में वो है कि नहीं, पत्रकारों को उसे पढ़ना चाहिए। मैं देश के सर्वश्रेष्ठ पत्रकारों के बड़े अच्छे लिखे की पत्रकारिता कैसे सीखी जाए, रिपोर्टिंग कैसे की जाए, संपादकीय कैसे लिखा जाए और लेआउट कैसे बनाया जाए हर चीज पर, और जो कैसे संशोधन किए जाए, कैसे संपादन किया जाए लेखों का, सब उसमें कला पूरी पत्रकारिता, इतिहास भी है, कला भी है, दृष्टि भी है। तो सारे मैं प्रशिक्षु पत्रकारों से कहता हूँ कि वे अपने आप को किसी से कम न समझें, किसी भी सांसद से, नेता से, कानूनदान से, किसी भी जज से, पंडित से कम न समझें। अपनी जिम्मेदारी उनसे भी ज्यादा समझें और अपने आप को इतना महत्वपूर्ण माने कि कोई गलत काम करेगी तो उसका बहुत बुरा असर समाज पे पड़ेगा, ये सोच के अपना जीवन चलाएं, अपना करियर बनाएं, तो उनकी अपनी भी उन्नति होगी, देश की उन्नति भी होगी और हमारा लोकतंत्र भी सबल होगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आभार, आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमें कुछ समय दिया। सर, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं।